Welcome back students to PrepOn. We are conducting this course of GS for UPPSC A exam, Coal India Limited and other SSC type exams. History and Polity हम पढ़ रहे हैं. History में हमने दो topics cover कर लिए हैं, Indus Civilization और Vedic Age. Vedic Age में हमने Vedic Literature cover किया है. ये हिस्ट्री की डायमेंशन हमने खोल दी है. अब हम इंडियन पॉलिटी भी शुरू करते हैं और आपको बहुत बेसिक लेवल पर छोटे छोटे कंसेप्ट समझाता हूं क्या क्या आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट हो सकता है. उसी तौर पर इंडियन पॉलिटी हम लिमिटेड आवर्स में कवर करेंगे. तो आपके एग्जाम्स के हिसाब से जो जो फोकस होना चाहिए उस हिसाब से आई एम टेकिंग दिस स्मॉल कोर्स ऑन इंडियन पॉलिटी फॉर योर एग्जाम्स. तो लेट अस बिगिन इंडियन पॉलिटी नाउ. थैंक्स फॉर योर रिस्पॉन्स अगेन. इस तरीके से मोटिवेटेड रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए. लेट अस बिगिन इंडियन पॉलिटी. इंडियन पॉलिटी समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक्स. सबसे पहले समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है. ये आपके देश का बेसिक लॉ है. कॉन्स्टिट्यूशन आपके देश का बेसिक लॉ है, कंट्री का बेसिक लॉ है. क्योंकि बिना कानून के, बिना रूल्स रेगुलेशंस के कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकता. इसी तरीके से देश को चलाने के लिए जब हम एक बेसिक लॉ बनाते हैं उसे कह देते हैं संविधान, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन. बेस्ड ऑन दिस बेसिक लॉ अदर लॉज आर फ्रेम्ड. इस बेसिक लॉ के आधार पर बाकी सारे कानून बनाए जाते हैं. कानून और संविधान की मदद से इस देश को गवर्न किया जाता है. यह होता है कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन देश की बेसिक गवर्नेंस के लिए होता है, देश को ठीक से सुशासन दे सके. इसलिए रूल्स बना लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. अब लॉस क्या होते हैं अभी बताता हूं. ये लॉस क्या होते हैं और कैसे कॉन्स्टिट्यूशन से मैच करते हैं. तो पहले तो आपने समझ लिया कॉन्स्टिट्यूशन. अब बात आ गई कि लॉज, है ना, लॉज इसके अनुसार होते हैं. आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विच इज द सोर्स ऑफ मेकिंग लॉज, कानून बनाने का सोर्स क्या होता है, तो आंसर इज द बेसिक सोर्स ऑफ मेकिंग लॉज इज कॉन्स्टिट्यूशन. ऐसा कोई कानून नहीं बन सकता जो संविधान के अनुसार ना हो. इसलिए लॉ का बेसिक सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन है. तो लॉज होते हैं. अभी देखते हैं लॉज के बारे में. पहले समझ लीजिए लॉज बनाता कौन है. तो लॉज बनाता कौन है उससे पहले समझिए व्हाट इज दिस थ्योरी, व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट, सेपरेशन ऑफ पावर्स. एक कॉन्सेप्ट होता है सेपरेशन ऑफ पावर्स. एक फ्रेंच पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने कॉन्सेप्ट दिया सेपरेशन ऑफ पावर्स, जिसके तौर पे बताया गया कि पॉलिटिकल सिस्टम के तीन ऑर्गन्स होते हैं. किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम के तीन ऑर्गन्स होते हैं. एक ऑर्गन कहलाता है एग्जीक्यूटिव, एक कहलाता है लेजिस्लेचर, एक कहलाता है जुडिशरी. तीन ऑर्गन्स होते हैं किसी पॉलिटिकल सिस्टम के. एग्जीक्यूटिव मैं यहां लिख देता हूं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी. तीन ऑर्गन्स होते हैं. अब ये एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका. इस पूरी गवर्नेंस को करने के लिए तीन ऑर्गन्स हैं. पहला ऑर्गन एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव देश को गवर्न करता है, है ना, गवर्न्स, एडमिनिस्टर्स, एडमिनिस्टर करता है. कार्यपालिका ये एडमिनिस्टर करता है देश को. कैसे करता है, विद द हेल्प ऑफ लॉज. देश को चलाना तो है लेकिन देश को चलाना है किसके लिमिट्स में, लॉज के लिमिट्स में चलाना है. तो जो गवर्नमेंट वाला पार्ट होता है जिसे हम सरकार समझते हैं, भारत सरकार, ये है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव. भारत सरकार इज सेंट्रल एग्जीक्यूटिव और राज्य सरकार इज स्टेट एग्जीक्यूटिव.
है ना। तो एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका, जो देश को चलाते हैं, मतलब गवर्नमेंट, सरकार जिसे हम समझते हैं। तो ये देश को गवर्न करते हैं विद इन द लिमिट्स ऑफ व्हाट, विद द लिमिट्स ऑफ लॉज। अब ये लॉज बनाता कौन है, ये लॉज बनाता है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर फ्रेम्स दीज लॉज, इस कानून को बनाने वाली संस्था कहलाती है लेजिस्लेचर, विधान पालिका। ये विधान बनाती है, कानून बनाती है, कानून बनाती है किसके संदर्भ में, कितने कंटेक्स्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेक्स्ट में। तो ये लॉ बनाने वाली संस्था कहलाती है लेजिस्लेचर। जैसे कि पार्लियामेंट इज द सेंट्रल लेजिस्लेचर, ये देश के कानून बनाती है, एंड स्टेट लेजिस्लेचर जो होती है विधानसभाएं और विधान परिषद या विधानसभा, ये राज्य के कानून बनाती है। तो ये पार्लियामेंट इज सेंट्रल लेजिस्लेचर, इसके सारे कानून जो बनाए जाएंगे वो पूरे देश पे लगेंगे। जैसे नागरिकता कानून पूरे देश पे लागू होगा, क्योंकि नागरिकता का अधिकार, नागरिकता का जो सब्जेक्ट मैटर है किसके पास है, ये पार्लियामेंट के पास है। तो पार्लियामेंट इज सेंट्रल लेजिस्लेचर एंड स्टेट लेजिस्लेचर इज स्टेट लेजिस्लेचर, जिसमें विधानसभा वगैरह हो जाती है। तो ये संस्था जो है ये बनाती है कानून। सब कुछ संविधान में नहीं लिख सकते, लेकिन संविधान में सब कुछ लिखेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। और इसलिए संविधान को सप्लीमेंट करने के लिए हम कितने भी कानून बना सकते हैं, कानून का संविधान से मैच होना जरूरी है, उसका स्प्रिट मैच होना जरूरी है। तो ये बन जाता है तीसरी, दूसरी बॉडी होती है लेजिस्लेचर। तीसरी बॉडी कहलाती है जुडिशरी। ये जुडिशरी होती है, ये डिस्प्यूट सेटल करती है बाय इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉस। ये जो कानून बन गए हैं और ये जो संविधान है, इसके अंतर्गत जो बीच बचाव करने का काम है वो किसका है, जुडिशरी का है। तो ये न्यायपालिका है, ये तीसरा ऑर्गन है न्यायपालिका। इट ऑल्सो वर्क्स अंडर व्हाट, इट ऑल्सो वर्क्स अंडर लॉज। डिस्प्यूट हमारे आपके बीच में हो जाए, राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट के बीच में हो जाए, जैसे केरला गवर्नमेंट ने कह दिया कि हमको ये नागरिकता कानून मंजूर नहीं है और ये गलत बनाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने, तो अब इनके बीच में डिस्प्यूट आ गई। अभी डिस्प्यूट कहां जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। तो डिस्प्यूट चाहे दो सरकारों के बीच में हो या दो व्यक्तियों के बीच में हो, कानून को समझकर उनको सॉल्व करना, सेटल करना इज द वर्क ऑफ व्हाट, जुडिशरी। ये जो तीन फंक्शन अलग अलग कर दिए गए, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, लेजिस्लेटिव फंक्शन, जुडिशियल फंक्शन, इसको कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स। आप तीनों अपने अपने डोमेन में काम करिए, ताकि तीनों का काम अच्छा होगा तो देश में सुशासन हो जाएगा, गुड गवर्नेंस हो जाएगी। इसलिए तीन ऑर्गन बनाए जाते हैं, और इन तीनों को मिला के कहते हैं, इन तीनों को, एग्जीक्यूटिव को और जुडिशरी को मिला के कहते हैं थ्री पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। इनको थ्री पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। और विच इज द फोर्थ वन, which is the fourth one, press is the fourth pillar of democracy. याद रखेंगे, media is the fourth pillar of democracy. Executive, legislature and judiciary are the three pillars of democracy, and media or the press is the fourth pillar of democracy. तो होता है separation of powers, और होती है parliament और state legislature, central government, state government, supreme court, देश की पूरी union judiciary, पूरे देश के मसले हल करेगी, फैसले करेगी। हाई कोर्ट, स्टेट का हाई कोर्ट, उसके हाई कोर्ट का जो ज्यूरिडिक्शन है वो राज्य में चलता है, उसके फैसले राज्य के मुद्दों पर होंगे। इस तरीके से ये भी हो जाती है। सो दिस इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ पावर्स। फ्रेंच पॉलिटिकल साइंटिस्ट मॉन्टेस्क्यू ने थ्योरी दी थी ताकि गवर्नेंस बांट दी जाए, ताकि कन्वीनियंस वे में गवर्नेंस हो जाए। दिस इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स हो गई। Now, मैंने आपको बताया कि पार्लियामेंट लॉ बनाता है, सुप्रीम कोर्ट डिस्प्यूट सेटल करता है, गवर्नमेंट गवर्न करती है, स्टेट गवर्नमेंट गवर्न करती है, सेंट्रल गवर्न करती है। अब
ये अपने क्षेत्र इनका कहां से आता है या सब्जेक्ट मैटर कहां से आते हैं, तो होता है कंसेप्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। तो एक कंसेप्ट होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स कर देते हैं ताकि ठीक से काम हो जाए। तो बताया गया संविधान में तीन लिस्ट्स दे दी गई संविधान के शेड्यूल 7 में। अभी बताता हूं शेड्यूल क्या है। एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट। तो तीन लिस्ट होती है। यूनियन लिस्ट में जितने मुद्दे हैं उस पे यूनियन गवर्नमेंट काम करेगी और पार्लियामेंट कानून बनाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब यूनियन गवर्नमेंट काम करेगी, पार्लियामेंट कानून बनाएगी और यूनियन लिस्ट के मुद्दों पर सारे देश में लागू होंगे। स्टेट लिस्ट के मुद्दों पर स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी और स्टेट लेजिस्लेचर कानून बनाएगी, स्टेट के कानून स्टेट में चलेंगे। जो स्टेट की लिमिट्स टेरिटोरियल लिमिट्स हैं उसी में इसके कानून चलेंगे, इसके बाहर नहीं चलेंगे, क्योंकि इसको स्टेट लिस्ट दी गई है। आपको एग्रीकल्चर पे कानून बनाना है तो यूपी की जो लेजिस्लेचर है वो यूपी के लिए कानून बना देगी। यूपी का लैंड रेवेन्यू अलग होगा, गुजरात का लैंड रेवेन्यू अलग होगा, यूपी का लैंड टैक्स अलग होगा, यहाँ का गुजरात का लैंड टैक्स अलग होगा। इस तरीके से सभी राज्य स्टेट लिस्ट के मुद्दों पर अपने डिफरेंट डिफरेंट कानून बना लेते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट समवर्ती सूची, समवर्ती सूची पे दोनों को ही अधिकार है काम करने का। पार्लियामेंट भी कानून बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकता है, दोनों बना सकते हैं, दोनों को अधिकार है, कॉन्करेंट है। सब्जेक्ट्स को साफ साफ बांट पाना थोड़ा मुश्किल होता है, कई जगह ऐसा है दोनों का ही एप्लीकेशन चाहिए, तो बोथ कैन वर्क, दोनों काम कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी मुद्दे पर पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, स्टेट ने भी लॉ बना दिया और उनमें कंट्राडिक्शन आ जाए तो पार्लियामेंट्री लॉ विल बी प्रिवेलिंग ओवर स्टेट लॉ एक्सेप्ट इन सर्टेन कंडीशंस, वो हम बाद में बात कर लेंगे। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टेट ने लॉ बना रखा है एजुकेशन पे, स्टेट ने एजुकेशन इज अ कॉन्करेंट सब्जेक्ट है ना, एजुकेशन पे स्टेट ने लॉ बना रखा है अपने लिए, लेकिन मान लीजिए सेंटर ने भी लॉ बना दिया, उसे लगता है कि स्टेट का लॉ कंप्लीट नहीं है, इसे कंप्लीट कर देते हैं या हम फ्रेश लॉ बना देते हैं। अगर पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया और स्टेट का लॉ पार्लियामेंट्री लॉ से कंट्राडिक्शन आ जाए, तो जहां तक कंट्राडिक्शन है वहां पार्लियामेंट्री लॉ विल वर्क ओवर स्टेट लॉ, स्टेट लॉ दब जाएगा और पार्लियामेंट्री लॉ प्रिवेल कर जाएगा। तो यहां पर दोनों काम कर सकते हैं, यहां पर सेंट्रल काम करेगा, यहां स्टेट काम करेगी। ये जो सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। वो जो फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है उसे कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स। ये आपके हमने सब्जेक्ट्स बता दिए, सिटीजनशिप यूनियन लिस्ट में है, डिफेंस ऑफ इंडिया यूनियन लिस्ट में है, सेंसस जनगणना कौन कराएगा, सेंटर कराएगा, एटॉमिक एनर्जी सेंटर के पास है, इनकम टैक्स सेंटर के पास है। इस तरीके से कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रेड यूनियन है, लेबर है, इस तरीके से बहुत सारी चीजें कहां पर कॉन्करेंट में है। अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं लिस्ट में, ये हम बाद में करेंगे जब हम शेड्यूल 7 पढ़ेंगे। दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड सेपरेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखते हैं कि कानून क्या होता है, लॉ। तो शॉर्ट में समझ लीजिए, कोई भी मुद्दा आया, जैसे सबसे फेमस जो आजकल चल रहा है कि जो नागरिकता है ना, नागरिकता कानून, तो नागरिकता किसका सब्जेक्ट मैटर है, सेंटर का सब्जेक्ट मैटर है। तो नागरिकता पर कैबिनेट ऑफ इंडिया ने, भारत की कैबिनेट ने सुझाव दिया, इस पे एक बिल ड्राफ्ट किया गया, बिल इस पॉलिसी को बिल में कन्वर्ट कर लिया, बिल को कौन पास करेगा, लॉ किसका है, ये सेंटर का लॉ है तो कौन पास करेगा, पार्लियामेंट। बिल को भेजा गया, बिल पार्लियामेंट में शुरू हुआ। अब पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। पार्लियामेंट में, संसद में तीन ऑर्गन्स होते हैं, प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। अब राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा ने पास कर दिया,
तो जाता है ये राष्ट्रपति के पास, और जब राष्ट्रपति से पास कर देंगे तो ये बन जाएगा एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, एक्ट बन गया, ये एक्ट बन गया। इसका मतलब है कि अब ये जो बिल है ये तीनों जगहों से पास हो गया, बन गया है एक्ट, मतलब अब इस पे आप काम करिए, है ना, एक्ट अपॉन इट, अब इस पे काम करिए। मतलब जब तक कोई इंस्ट्रूमेंट बिल के फॉर्म में है वो इम्प्लीमेंटेबल नहीं है, उस पे काम नहीं हो सकता। जब तक वो संसद से पास नहीं होगा तब तक वो एक्ट नहीं बन सकता। एक्ट इज द लेजिस्लेटिव लैंग्वेज फॉर अ बिल, बिल के लेजिस्लेटिव लैंग्वेज है, एक्ट हो जाता है। मतलब इस पे आप एक्ट कर सकते हैं, इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और ये अभी हाल फिलहाल में एग्जीक्यूट हो गया क्योंकि ये फाइनली पास हो चुका है। तो ये बेसिकली लॉ है। संविधान में लिखा हुआ है कि नागरिकता का कानून पार्लियामेंट बना सकती है, तो पार्लियामेंट कानून बना दिया 1955 में, समय समय पर उसमें चेंज करते चले गए, अब लगा ये चेंज करना चाहिए तो उन्होंने ये चेंज कर दिया, तो ये ओरिजिन संविधान से निकला लेकिन लॉ बन गया। इस तरीके से कई सारे लॉ हम बना सकते हैं, फूड सिक्योरिटी एक्ट बना सकते हैं, मनरेगा है वो भी एक एक्ट है, इस तरीके से गुड नंबर ऑफ लॉज कैन बी फ्रेम्ड, तो बन जाता है एक्ट, और एक्ट की वैसे लैंग्वेज इसे लॉ कह देते हैं, इसे स्टैट्यूट भी कह देते हैं, कई जगह स्टैट्यूट लिखा मिल जाएगा, स्टैट्यूट भी कह देते हैं। दिस वे इट इज लॉ और इट इज स्टैट्यूट। तो पार्लियामेंट बना देगा सेंट्रल लेवल पर, और स्टेट लेवल पर स्टेट बना देंगे। अब इनके जो मेंबर्स होते हैं वो कहलाते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जिन्हें हम एमपी कहते हैं। राज्यसभा में एमपी, लोकसभा में एमपी, ये लोग कौन हैं? ये पार्लियामेंट के मेंबर हैं। राष्ट्रपति पार्लियामेंट का पार्ट होते हैं, उसका मेंबर नहीं होते, ये सब बाद में देखेंगे। तो एमपी होते हैं, ये एमपी लोगों द्वारा चुने जाते हैं, और ये मिलकर, दोनों मिलकर, दोनों हाउसेज मिलकर, एक हाउस से पास होगा, दूसरे हाउस से पास होगा, कहीं भी शुरू हो सकता है, यहां शुरू हो जाए, यहां शुरू हो जाए बिल, चलो फाइनली पास हो जाएगा। तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जिन्हें हम इलेक्शन में जिताते हैं, और वो हमारे बिहाफ पर, पीपल के बिहाफ पर वहां पर लॉ बनाते हैं, क्योंकि देश में होना चाहिए रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, तो लॉ मेकिंग बॉडी कहलाती है पार्लियामेंट। इस तरीके से लॉ बन जाता है, और बहुत सारे हम लॉ बना सकते हैं। ऐसे ही स्टेट लेवल पे हो जाता है, स्टेट लेवल पे जाएं तो स्टेट लेजिस्लेचर यहां हो जाएंगे, गवर्नर यहां हो जाएगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल यहां हो जाएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली। ऐसे मान लीजिए एग्रीकल्चर पे कानून बनाना है, पंचायती राज पे बनाना है, पंचायत पे बनाना है, या लैंड रेवेन्यू पे बनाना है, या वाटर पे बनाना है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल बिल पास कर देगी राज्य का, विधानसभा पास कर देगी। अब ये विधान परिषद हर राज्य में नहीं होती, कहीं दोनों हाउस है, कहीं एक हाउस है, बाद में देख लेंगे। तो एक हाउस है तो एक पास कर देगा, दोनों है दोनों पास कर देंगे, बिल आएगा, गवर्नर इस बिल को साइन कर देंगे, तो वो एक्ट बन जाएगा, और फिर वो स्टेट का एक्ट बन जाएगा, स्टेट में ही लागू किया जाएगा। इस तरीके से इसके मेंबर्स कहलाते हैं विधायक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए, इसके मेंबर कहलाते हैं एमएलसी, इनको हम चुनते हैं, कैसे चुनते हैं बाद में देखेंगे। तो एमपी एमएलए और एमएलसी, एमपी एमएलए और एमएलसी ये कौन है? ये हम लोगों द्वारा चुने हुए हमारे नॉमिनीज हैं, जो लेजिस्लेटिव बॉडीज में काम करते हैं जाकर, ताकि ये लॉज बना सके संविधान के अनुसार, ताकि देश की गवर्नेंस, राज्य की गवर्नेंस ठीक से हो सके। तो ये कहलाते हैं लेजिस्लेटर्स। ये सब कौन है? लेजिस्लेटर्स हैं, ये लॉ मेकिंग में काम करते हैं। दिस इज द हाउ द लॉ इज मेड। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये फंडामेंटल है इसका, पॉलिटी के कुछ फंडामेंटल्स हैं। गॉट दिस आइडिया? सो दिस इज फंडामेंटल्स ऑफ पॉलिटी। नाउ आप देखते हैं, आपके समझ में आ गया कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स क्या होता है, लॉ मेकिंग किस तरीके से होती है, कुछ फंडामेंटल्स हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान बना कैसे, इसके बारे में क्वेश्चंस अक्सर आ जाते हैं। फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो ...1946 में भारत आया कैबिनेट मिशन विद ए प्लान। कैबिनेट मिशन विद ए प्लान, एक कैबिनेट मिशन प्लान आया। वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुकी थी, 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गई है। उस समय इंग्लैंड के भी हालात चेंज हुए और ऐसा अब लग रहा था कि भारत को छोड़ना ही पड़ेगा। भारत में भी क्विट इंडिया मूवमेंट होके चुका था और अंग्रेज अब यहां पर रूल नहीं कर पाएंगे ऐसा तय हो चुका था। इंग्लैंड में भी नई सरकार बनी है। नई सरकार ने फैसला किया 1945 के दिसंबर नवंबर में हमको भारत छोड़ देना चाहिए। और इस तरीके से नई सरकार के, जो इंग्लैंड की नई सरकार थी, उसने अपने 3 मंत्री भेजे हैं भारत। उसका नाम था कैबिनेट मिशन। 3 मंत्री थे, पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। हिस्ट्री में बहुत विस्तार से बताऊंगा। तो एक 3 मेंबर का एक कमीशन भारत आया था, नाम था कैबिनेट मिशन, और प्लान के साथ आया था कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन प्लान में उन्होंने साफ साफ बोला है कि हम भारत छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन उससे पहले आपको अपना संविधान बनाना पड़ेगा और संविधान बनाने के लिए होगी एक संविधान सभा। बनाएंगे हम आपकी एक संविधान सभा और संविधान सभा संविधान बना लेगी, और जैसे ही संविधान आपका रेडी हो जाएगा हम सत्ता आपको पूर्णतः सौंप देंगे। देयर शैल बी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पावर एज सून एज यू आर कंप्लीट विद योर मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड बाई हू, विच बॉडी? इट वॉज फ्रेम्ड बाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। और संविधान सभा का प्रपोजल किसमें आया था? इट वॉज इन कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में यहां आया था कि आपकी एक संविधान सभा होगी और इसमें ऐसे ऐसे मेंबर्स आएंगे, ये आपका देश का संविधान बनाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फ्रेंड बाई ए बॉडी कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हुज प्रोविजन वॉज मेंशन्ड इन कैबिनेट मिशन प्लान। संविधान सभा में होंगे मेंबर्स 389 मेंबर्स इसमें होंगे, और मेंबर्स 2 तरीके के होंगे। कुछ तो आएंगे इंडियन प्रोविंसेस से, कुछ आएंगे इंडियन स्टेट से। आप समझिए, ब्रिटिश इंडिया में 2 तरीके के राज्य हुआ करते थे। एक तो प्रोविंसेस, प्रोविंस ब्रिटिश इंडिया के वो राज्य हैं जिन्हें अंग्रेज सीधे चलाया करते थे। मतलब यहां पर गवर्नर होगा, सिविल सर्वेंट होगा, पुलिस होगी, यहां के ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही रूल यहां पर सीधे चलता है। राज्य के अंदर गवर्नमेंट की मशीनरी चलती है। तो वो यूनिट भारत के जो प्रोविंसेस थे रूल्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ लॉज। तो ये प्रोविंसेस चलते थे यहां पर, जैसे यूपी है, यूनाइटेड प्रोविंसेस कहलाता था उस समय, सीपी है, सेंट्रल प्रोविंसेस है, बिहार है, उड़ीसा है, बंगाल है, बॉम्बे है, मद्रास है, ये क्या थे? ये प्रोविंसेस थे। तो प्रोविंसेस 60% ऑफ इंडिया वॉज प्रोविंसेस एंड 40% ऑफ इंडिया वॉज रियासतें। मैसूर है, हैदराबाद है, निजाम जम्मू एंड कश्मीर है, पटियाला है, ये क्या थी? बड़ौदा है, क्या थी? रियासतें। तो 40% भारत रियासतें थी। तो जब भारत आजाद होगा तो ये 2 तरीके के भारत में हिस्से थे। तो संविधान सभा में 2 तरीके के मेंबर्स आएंगे। कुछ मेंबर्स राज्य से, इनसे रियासतों से आएंगे, कुछ प्रोविंसेस से आएंगे। 10 लाख पे एक मेंबर आएगा। इस तरीके से सभी का नंबर तय हो जाएगा। 10 लाख पॉपुलेशन पर एक मेंबर आएगा। तो टोटल मेंबरशिप पूरे भारत की निकल कर आ गई 389। ये जो प्रोविंसेस से मेंबर्स आएंगे इनके लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। इनके लिए ये चुनाव से आएंगे, और ये जो आएंगे ये नॉमिनेशन से आएंगे। मतलब वायसराय और उस देश का, हैदराबाद का निजाम है, बड़ौदा के पटियाला के राजा हैं, कंसल्ट कर लेंगे और अपना कोई नॉमिनी यहां भेज देंगे अपने हिसाब से। इस तरीके से रियासतों के मेंबर्स मनोमीत होके आए थे और प्रोविंसेस के मेंबर्स इलेक्शन द्वारा आए थे। यहां पर राजाओं का शासन चलता है, इंटरनली राजा की पुलिस है, राजा का अपना रूल है, राजा की अपना सिस्टम बना हुआ है। राजा क्राउन के, ब्रिटिश गवर्नमेंट के क्राउन के अंडर में काम करता है, लेकिन इसके अंदर अंग्रेजी मशीनरी का दखलंदाजी, इंटरनली राजा की, निजाम की अपनी पुलिस है, निजाम का अपना शासन है, उसके अपने रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं। यहां पर आईएएस, सिविल आईसीएस ऑफिसर्स काम करते हैं, ब्रिटिश पुलिस काम करती है, जो इंडियंस हुआ करते हैं। तो ये राजाओं वाला सिस्टम था। तो
तो ये नॉमिनेशन से आएंगे। तो संविधान सभा किस टाइप की बॉडी थी, अगर क्वेश्चन आ जाए संविधान सभा वाज दिस टाइप ऑफ बॉडी, तो ये बोलेंगे, अब बोलेंगे इट वाज पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड, ना तो ये कंप्लीटली चुनी गई थी ना ही कंप्लीटली मनोमित हुई थी, इट वाज पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड। तो इस तरीके से, क्योंकि दो तरीके के राज्य थे तो दो तरीके से मेंबर्स इसमें आ जाते हैं, तो बन जाती है संविधान सभा 389 मेंबर्स की एक संविधान सभा बन जाएगी। और संविधान सभा जुलाई अगस्त सितंबर 1946 तक रेडी हो गई है और अपना संविधान बनाने का काम शुरू कर देगी। इस तरीके से शुरू हो गई थी संविधान सभा 389 मेंबर्स के साथ, ये संविधान सभा बन जाएगी। अब संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 9, 1946 को होगी दिल्ली में, पार्लियामेंट में, और बनना शुरू होगा भारत का संविधान। तो फर्स्ट मीटिंग कब होती है, फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड इन द पार्लियामेंट ऑफ, मतलब जो बिल्डिंग है दिल्ली में हुई, और दिसंबर 9, 1946 को जो पार्लियामेंट है यहीं पर बनना शुरू हुआ। और पहले दिन की कार्रवाई कराने के लिए एक प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ संविधान सभा बने हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वॉज द प्रोविजनल टेम्पररी प्रेसिडेंट बने हैं। आज का सेशन, मतलब 9 दिसंबर का सेशन किसने प्रेसाइड किया, अध्यक्षता किसने की, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। ओल्डेस्ट मेंबर हैं तो इनको बना दिया गया सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी प्रेसिडेंट। और इनका काम क्या था कि ये चुनवा देंगे संविधान सभा का अध्यक्ष। इस तरीके से 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड हरीश चंद्र मुखर्जी ये बन जाते हैं संविधान सभा के प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। इनका काम था कि ये पहले दिन की बैठक करा देंगे और मेंबर्स को बोलेंगे कि आप लोग अपने में से एक को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुन लीजिए। इस तरीके से राजेंद्र प्रसाद बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, भारत के नहीं संविधान सभा के अध्यक्ष बने हैं, और हरीशचंद मुखर्जी संविधान सभा के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। अब संविधान सभा अपना संविधान बनाने के लिए रेडी है, इसके पास मेंबर्स भी हैं, अध्यक्ष भी हैं, उपाध्यक्ष भी हैं। मतलब जब भी संविधान सभा बनाने के लिए लोग बैठेंगे तो हाउस की अध्यक्षता कौन करेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये नहीं होंगे तो हरीशचंद मुखर्जी भी कर देंगे। इस तरीके से संविधान सभा अपना काम शुरू कर देती है और कॉन्स्टिट्यूट हो गई है और बनना शुरू हो जाएगा भारत का संविधान। यहां से संविधान बनना शुरू हो जाता है। अब संविधान बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, दिसंबर 13 को जो सबसे पहला दस्तावेज जारी हुआ है संविधान सभा में, उसका नाम था ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन। पहले हम अपने उद्देश्य पत्र तो बना लें, उद्देश्य पत्र हमारा क्या होगा, उद्देश्य पत्र तो बना लें। वो जो उद्देश्य पत्र आया है, मतलब हमारे उद्देश्य क्या है, भारत का संविधान कैसा होना चाहिए, वो हमने मेंशन किया ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन में। इस पे डिस्कशन हुआ और ये अडॉप्ट हो गया, मतलब फाइनल हो गया कि हाँ हमारा संविधान सेक्युलर हो, डेमोक्रेटिक हो, सोवरेन हो, इस तरीके से हमने डिसाइड कर लिया कि यही हमारे संविधान में होना चाहिए। सो द फर्स्ट डॉक्यूमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन मूव्ड एंड रिटन बाई जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने इसे प्रिपेयर किया है। तो आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन। अब संविधान सभा ने बहुत सारी कमेटीज बना दी है ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। अब संविधान सभा ने बहुत सारी कमेटीज बना दी है, जैसे ये कहा कि हम सोवरेन देश को बनाएंगे, हम इस तरह डेमोक्रेटिक बनाएंगे, तो कई मुद्दों पर बना दी गई है बहुत सारी कमेटीज, मेंबर्स अपने मेंबर्स में ही बन गई है बहुत सारी कमेटीज, और इनको मुद्दे दे दिए गए हैं कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होना चाहिए, स्टेट का संविधान क्या होना चाहिए, यूनियन की पावर्स क्या है, राज्यों की पावर्स क्या है, फंडामेंटल राइट क्या हो। इस तरीके से बहुत सारी कमेटीज हैं और ये कमेटीज अपनी रिपोर्ट्स सौंप देंगी टू संविधान सभा। एक दो महीने में इन कमेटीज ने काम किया और कुछ कमेटीज के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हैं, कुछ के वल्लभ भाई पटेल हैं। इस तरीके से कमेटीज काम करेंगी और ये लोग अपनी रिपोर्ट्स बनाकर, मतलब संविधान की डिटेलिंग हो रही है,
समझ लीजिए, उद्देश्य पत्र को और डिटेलिंग किया तो कमेटीज की रिपोर्ट आ गई। फंडामेंटल राइट कमेटी ने कहा कि ये रिपोर्ट ये फंडामेंटल राइट देने चाहिए। इस तरीके से रिपोर्ट्स आ गई हैं संविधान सभा के पास। संविधान सभा ने ये सारी रिपोर्ट्स सौंप दी हैं अपने एडवाइजर बीएन राव को। बीएन राव वॉज एडवाइजर टू संविधान सभा। ये संविधान सभा के एडवाइजर हैं, ये संविधान सभा के मेंबर नहीं है, ये संविधान सभा के कंसल्टेंट हैं। ही वॉज नॉट मेंबर। तो इनको ये संविधान सभा ने रिपोर्ट सौंप दी है सारी की सारी। और संविधान सभा के ये जो मिस्टर बी एन राव हैं, इन्होंने इन रिपोर्ट्स के बेस पे एक ड्राफ्ट तैयार किया है। इन्होंने कहा कि आपकी कमेटी की रिपोर्ट्स के बेस पे मेरी समझ में यह आ रहा है कि ऐसा होना चाहिए आपका संविधान, मोटे मोटे तौर पे ये चीजें दिखनी चाहिए आपके संविधान में। इस तरीके से ड्राफ्ट तैयार हो गया, और ड्राफ्ट तैयार जब तक हुआ है तब तक कुछ हालात ऐसे आ जाते हैं कि 15 अगस्त आ जाती है और देश का विभाजन हो जाता है, पार्टीशन हो जाता है। देश का पार्टीशन 15 अगस्त को हो गया था 47 को, और अभी तक सिर्फ ड्राफ्ट तैयार हुआ है, एक भी आर्टिकल लिखा नहीं गया है। इस तरीके से 15 अगस्त 1947 को देश का पार्टीशन हुआ। अभी संविधान की बहुत थोड़ा सा काम हुआ है और संविधान पूरा अभी शुरू भी नहीं हो पाया है। तो 15 अगस्त 1947 तक फिर यह तय हो गया कि मुस्लिम लीग इस संविधान सभा को ज्वाइन नहीं करेगी, और फिर जो भारतीय मेंबर्स हैं वही इसमें रहेंगे। इस तरीके से 299 इसकी संख्या हो जाएगी, बाकी सब मेंबर्स मुस्लिम लीग के जो पाकिस्तान का हिस्सा था उसमें चले जाएंगे। तो 299 लोगों की संविधान सभा काम करना शुरू कर देगी 15 अगस्त 1947 के बाद। इसके बाद फिर ड्राफ्टिंग कमेटी बनेगी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, और फिर संविधान पर डिटेलिंग शुरू हो जाएगी। इस तरीके से 15 अगस्त 1947 आ जाता है। यहां तक पहुंचे हम। अब 1947 के बाद संविधान सभा अपॉइंटेड ड्राफ्टिंग कमेटी, संविधान सभा ने अपॉइंट की है ड्राफ्टिंग कमेटी जिसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर बी आर अंबेडकर। डॉक्टर बी आर अंबेडकर प्लस 6 मेंबर्स, उनके साथ कितने मेंबर और हैं? उनके साथ 6 मेंबर और हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंट हुई है 29 अगस्त 1947 को। ये डेट आप याद रखेंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी वॉज अपॉइंटेड ऑन 29 अगस्त 1947। किसने अपॉइंट की है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपॉइंट की है। अपनों में से ही 7 मेंबर बना दिए गए हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वॉज चेयरमैन, हेंस ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को संविधान का जनक कहा जाता है, फादर कहा जाता है, बिकॉज ही वॉज चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। उनके साथ 6 मेंबर्स हैं, के एम मुंशी हैं, गोपाल कृष्ण अयंगर हैं, अय्यर हैं, माधव राव हैं। इस तरीके से 7 मेंबर की मिलकर बन जाती है ड्राफ्टिंग कमेटी। इन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी ने 6 महीने लिए हैं और बना दिया है ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ड्राफ्टिंग कमेटी टुक 6 मंथ्स एंड फ्रेम्ड ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अभी ये कच्चा पत्र है, पक्का नहीं है। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ जिसमें 315 आर्टिकल्स हुआ करते थे। ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन में 315 आर्टिकल्स हुआ करते थे, याद रखेंगे। अंबेडकर कमेटी की रिपोर्ट का नाम ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। अंबेडकर कमेटी वाज अपॉइंटेड ऑन 29 अगस्त 1947। 7 मेंबर्स हुआ करते हैं। इन सब ने 6 महीने में मिलकर बनाया है भारत का संविधान। नाम है अभी ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, 315 आर्टिकल्स हैं इसमें। अब ये ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसको दे दिया गया? संविधान सभा को दे दिया गया है। अब संविधान सभा ने इस पे डिस्कस करना शुरू किया, और फरवरी 1948 से लेकर नवंबर 1949 तक इस पे काम हुआ, डिबेट्स डिस्कशंस। अब इस पे डिबेट्स डिस्कशंस होते जा रहे हैं, किस पे? ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पर। फाइनली आफ्टर लॉट ऑफ चेंजेस, इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए,
आफ्टर लॉट ऑफ चेंजेस ऑन 26 नवंबर 1949 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 49 द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड. ये अडॉप्ट हो गया था. कब अडॉप्ट हो गया था? 26 नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट हो गया था. इट वॉज अडॉप्टेड बाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन बिहाफ ऑफ पीपुल ऑफ इंडिया. ये अडॉप्ट कर लेती है संविधान सभा. अडॉप्ट हो जाता है संविधान. इट वॉज अडॉप्टेड बाई द बेसिकली पीपुल ऑफ इंडिया अडॉप्टेड इट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. अडॉप्ट हो जाएगा 26 नवंबर को. और अडॉप्ट हुआ तो इसका नाम पड़ गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अब संविधान का नाम हो गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. मतलब ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है भारत का संविधान. मतलब ये फाइनल हो गया ऑन दिस डेट 26 नवंबर 1949. इस दिन कुछ प्रोविजंस ही लागू हुए थे क्योंकि एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट डेट आ रही है 26 जनवरी. वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट है. क्यों है अभी देखते हैं. 26 नवंबर को द पीपल ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया अडॉप्टेड देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. भारत का संविधान आर्टिकल 393 में लिखा हुआ है इस संविधान का नाम. दिस मे बी कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो क्वेश्चन आ जाए कि भारत के संविधान का नाम क्या है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. तो आंसर इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. भारत का संविधान है भारतीय संविधान नहीं है. तो ये रेडी हो गया. याद रखेंगे दो हजार पंद्रह से 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस. 2015 से शुरू हुआ है ये. 2015 से 26 नवंबर को मनाते हैं हम लोग संविधान दिवस. 26 जनवरी नहीं 26 नवंबर. 26 नवंबर को कहते हैं द डे ऑफ एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. और जब एडॉप्शन बोलेंगे तो समझेंगे क्या कुछ ही प्रोविजन संविधान के लागू हुए थे. सारे के सारे लागू नहीं हुए. क्यों लागू नहीं हुए अभी देखते हैं. छब्बीस जनवरी 1950 को हो गया कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एक्चुअली 1929 में लाहौर सेशन हुआ था और लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज की मांग कर ली गई थी. और लाहौर सेशन जो दिसंबर 1929 में हुआ है वही ये तय हुआ था कि आने वाली 26 जनवरी 1930 को आने वाली 26 जनवरी 1930 को कब तय हुआ था. दिसंबर 1929 के लाहौर सेशन में जिसमें पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ है. हम मनाएंगे अपना इंडिपेंडेंस डे. इस तरीके से 26 जनवरी इंपॉर्टेंट हो गई थी और 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में इंडिपेंडेंस डे मनाया भी गया था जिसका फैसला हुआ था दिसंबर 1929 के सेशन में. और यह मनाया गया था इसलिए डेट इंपॉर्टेंट थी तो इसका वेट किया गया. और 26 जनवरी 1950 को संविधान कमेंस हो जाता है. जब हम कमेंस वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो हम कहते हैं द संविधान वॉज फुल्ली एनफोर्स्ड. पूरा का पूरा लागू हो गया. एडॉप्शन बोलते हैं तो कुछ प्रोविजंस लागू हुए थे. तो 26 जनवरी 1950 को द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन द होल टेरिटरी ऑफ इंडिया. दिस डे इज कॉल्ड द डे ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो संविधान सभा ने संविधान बनाया इन इन स्टेजेस में ये फाइनली लागू हो जाता है. तो संविधान सभा 2 साल 11 महीने 18 दिन काम करेगी. 11 सेशंस हुए थे. 11 इसमें सेशंस हुए सत्र हुए हैं और लगभग 165 सिटिंग्स हुई हैं. 165 सिटिंग्स हुई हैं इसकी. सेशन क्या है सिटिंग क्या है आगे पढ़ेंगे. 2 साल 11 महीने 18 दिन में 11 सेशन सत्रों में 165 बैठकों में ये संविधान बनकर तैयार हुआ है. और इसमें क्या क्या है ये हम आगे देखेंगे. तो ये फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था. तो होप ये बेसिक्स आपको समझ में आए होंगे इंडियन पॉलिटी के. अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि संविधान में और क्या क्या है और इसके और फर्दर टॉपिक्स क्या हैं उन्हें हम कवर करते चलेंगे. तो होप यू आर गेटिंग द थिंग्स. अपने कमेंट्स हमको भेजिए. नोट्स पढ़िए रिवाइज करिए. इस पर भी हम क्वेश्चंस करेंगे. एंड जरूर इनको लेक्चर्स को आप
आपको अच्छे लग रहे हो तो अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि प्रेपॉन ज्वाइन करेंगे, शेयर करेंगे, उनको फायदा होगा, सब कुछ फ्री है, इसमें कुछ भी चार्ज नहीं हो रहा है। आपको ये समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं तो जरूर शेयर कीजिए, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। सो थैंक्स अ लॉट। फिर अगले लेक्चर में मुलाकात होगी इंडियन पॉलिटी के साथ।